नमस्कार दोस्तों मोनिटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चाणक्य नीति की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है दोस्तों ऐसी पत्नी और ऐसी माता मनुष्य के लिए दुश्मन से कम नहीं होती किस प्रकार से आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आचार्य चाणक्य एक ज्ञानी होने के साथ ही एक अच्छे नीतिकार भी थे उन्होंने मनुष्य जीवन को सुखद बनाने के लिए कई ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जिनका पालन करने से वो हर समस्या का सामना कर सकता है उनकी नीतियाँ व्यवहारिक हैं और जीवन के हर मोड़ पर उपयोगी हैं आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में चार ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आचार्य चारक ने किन किन लोगों को सबसे बड़ा दुश्मन बताया है दोस्तों कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर एक ऐसा पिता होता है शत्रु के समान दोस्तों आचार्य चारक ने अपनी नीति में कहा है कर्ज लेने वाला पिता पुत्र के लिए शत्रु के समान माना गया है पिता का धर्म अपनी संतान का अच्छे से लालन पालन करना है अगर पिता कर्ज के बोझ से दबा हुआ है तो वो संतान के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है जो पिता कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है कर्ज का भार अपनी संतान पर डाल देता है शत्रु के समान दोस्तों अगर माता का व्यवहार सभी संतानों के लिए एक समान नहीं है तो वो माता शत्रु के समान है अगर माता संतान का लालन पालन सही से नहीं कर पाती और उनके पति के अलावा अन्य पुरुषों से भी संबंध है तो यह संतान के लिए घातक है ऐसी माता होने पर परिवार और संतान का विनाश तय है दोस्तों स्त्री का अतिरूपवती होना उसके पति के लिए बड़ी समस्या बन जाता है अगर पति कमजोर है और उसकी रक्षा करने में असमर्थ है कमजोर और असमर्थ पुरुष के लिए रूपवती यानी कि सुंदर पत्नी शत्रु के समान होती है नंबर चार ऐसी संतान शत्रु के समान होती है दोस्तों आचार्य चारक्य ने कहा है मूर्ख संतान अपने माता पिता के लिए किसी शत्रु से कम नहीं होती ऐसी संतान से पूरा जीवन केवल कष्ट ही मिलता है इसके विपरीत जो माता पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते वो भी संतान के लिए शत्रु के समान होते हैं तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के जीके कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए आई होप आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा दोस्तों इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही मोटिवेशनल इंस्पायरिंग लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे मोटिवेट स्टे फियरलेस